नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2019 का जो दूसरा मुकाबला होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। बात करेंगे इस वीडियो में क्या होने वाली है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है दोनों टीमों के खेमे से। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने जो है ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है कि जो जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं दोनों टीम्स में, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल, सुनील नारायण, उसके बाद में फिर हम बात कर ले सकीब अल हसन की, लोकी फर्गसन की, तो सारे जो खिलाड़ी हैं वो भारत पहुंच चुके हैं और पहले मैच में सारे प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे में जो है दोनों टीम्स को अपनी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 को लेके उतारना है। अब कुछ बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की और इनके परफॉर्मेंस की। आईपीएल 2018 में देखा हम सभी ने हैदराबाद की टीम को, केन विलियमसन ने किस तरीके से फाइनल तक लीड किया और ये साल जो है दोबारा से केन विलियमसन बनने वाले हैं हैदराबाद के कप्तान। अब बात करते हैं दिनेश कार्तिक के केकेआर की, तो केकेआर का जो परफॉर्मेंस था 2018 में बिल्कुल अच्छा था। जहाँ पर दोस्तों उनके लिए दिक्कत यही थी कि जो आंद्रे रसल थे वो दोस्तों कई बार जो है आईपीएल के बीच में चोटिल हो जा रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों जो है कोलकाता ने अच्छा किया कि जो रसल का जो बैकअप है कार्लोस ब्रैथवेट, आप सभी को नाम तो याद होगा, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट, जिन्होंने जो है फाइनल में 4 छक्के लगा के अपनी टीम को T20 का चैंपियन बनाया था। तो रसल अगर जो है चोटिल होते हैं तब उनको जो है बैकअप में इस्तेमाल किया जा सकता है कार्लोस ब्रैथवेट का। अब बात कर लेते हैं ईडन गार्डन की, तो दोस्तों ईडन गार्डन में जो है हमेशा से देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा रन्स बनते हैं, यहाँ पे जो है बाउंड्रीज थोड़ी छोटी रहती है, तो ऐसे में जो है बल्लेबाज भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है कल के मुकाबले के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलकाता की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। नंबर 1 पे खेलेंगे क्रिस लिन, नंबर 2 पे सुनील नारायण, नंबर 3 पे उत्तप्पा, नंबर 4 पे शुभमान गिल, नंबर 5 पे नीतीश राणा, नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पे आंद्रे रसल, नंबर 8 पे पीयूष चावला, नंबर 9 पे कुलदीप यादव, नंबर 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा और नंबर 11 पे जो है लोकी फर्गसन खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये होने वाली है मेरे हिसाब से केकेआर की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। मैं जो है अपने इस टीम में लोकी फर्गसन को ज़रूर से जगह दूंगा क्योंकि वो जो है बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की, दोस्तों हैदराबाद के जो ओपनर थे शिखर धवन वो तो चले गए हैं दिल्ली में, लेकिन जो उनके एक और ओपनिंग पार्टनर थे रिद्धिमान साहा वो दोबारा से ओपन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए अब देख लेते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11। नंबर 1 पे डेविड वार्नर, नंबर 2 पे रिद्धिमान साहा, नंबर 3 पे केन विलियमसन कैप्टन, नंबर 4 पे मनीष पांडे, नंबर 5 पे यूसुफ पठान, नंबर 6 पे साकिब अल हसन, नंबर 7 पे विजय शंकर, नंबर 8 पे राशिद खान, नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पे सिद्धार्थ कौल और नंबर 11 पे जो है खलील अहमद खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। दोस्तों मैं जो है अपने इस टीम में साहा के साथ करूँगा ओपनिंग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मनीष पांडे की, तो मनीष पांडे जो है ईडन गार्डन में बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट मैच खेले हैं, केकेआर की तरफ से पहले खेलते थे, तो मनीष पांडे जो है कल के मुकाबले में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं हैदराबाद के टीम के लिए। तो दोस्तों ये हो सकती है मेरे हिसाब से दोनों टीमों की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए बताओ नीचे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।